एक शख्स ने जमीन के अंदर ही मिट्टी का महल खड़ा कर लिया। अब यही महल उसका आशियाना है। इसे बनाने में उसे 12 साल का वक्त लग गया। ये रिपोर्ट देखिए। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब इस दो मंजिला घर को ही देख लीजिए, जो एक गुफा की तरह दिखाई पड़ता है। ये पूरी तरह मिट्टी की दीवारों और फर्श पर खड़ा है, और खास बात ये है कि ये जमीन के नीचे बनाया गया है, यानी कि ये घर पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। और इससे भी ज्यादा खास ये है कि इस दो मंजिला महलनुमा घर में 11 कमरे बने हुए हैं। हरदोई के कस्बा शाहबाद के रहने वाले ये हैं इरफान, जिन्हें गांव के लोग पप्पू के नाम से बुलाते हैं, और इस घर को बनाने के पीछे इन्हीं की कारीगरी है, जिन्होंने अपने हाथों से अपने आशियाने को अपने हिसाब से आकार दिया है। इस घर में उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई है। घर के अंदर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, बैठक रूम भी बना है। दो मंजिला मिट्टी का आशियाना बनाने में 12 साल का वक्त लग गया, और अभी भी इसका काम रुका नहीं है। इरफान ने अपने हाथों से खुरपे की मदद से मिट्टी काट काट कर ये अंडरग्राउंड मकान तैयार किया है। अब इरफान अपने इसी आशियाने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। हालांकि यहाँ पर किचन की व्यवस्था नहीं रखी गई है, वो खाना खाने के लिए अपने घर पर ही जाते हैं, जो इस महलनुमा घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। एक जमीन थी पुरानी, बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से दो मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं इसमें? कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं, मस्जिद को छोड़ के 11-10-11 हैं। साल 2010 तक इरफान आम लोगों की तरह जीते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद उनका जीने का तरीका बदल गया। अभी तक इरफान ने शादी नहीं की, अब इसी सुनसान जगह पर बने अपने आशियाने में अपना जीवन जी रहे हैं। इरफान ने घर के पास पड़ी बंजर जमीन को फावड़े से बराबर किया और अब में खेती भी करने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।